हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड वेलकम टू सिंपलीफाई ब्लॉगिंग वंस अगेन। आज का जो वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल इमेज रिसाइजर के बारे में। आप किसी भी इमेज का जो साइज है उसको आप रिसाइज कैसे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप उसका डायमेंशन कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई इमेज होती है 1280x720 की, आप उसको 800x640 में कैसे कर सकते हो, 98x98 आप लोगों के अंदर अगर चेंज करना चाहते हो, तो किसी भी इमेज का आप साइज कैसे चेंज कर सकते हो, उसको रेक्टेंगल में, स्क्वायर, किसी भी शेप के अंदर आप लेके आ सकते हो किसी भी इमेज को। तो ये बहुत इजी तरीका है, वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सिंपल वेबसाइट है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, उसकी मदद से आप सिर्फ सिंगल वन क्लिक के अंदर आप किसी भी इमेज का रिसाइज कर सकते हैं, उसका डायमेंशन आप बदल सकते हैं, इवन उसका साइज भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा इवन आप उसको चेंज करने के बाद। अब चाहे आप अपने लोगों के लिए वेबसाइट को तैयार कर रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट के ब्लॉगर में अपनी इमेज डालना चाहते हैं, चाहे वर्डप्रेस में डालना चाहते हैं, तो सभी के लिए वो बहुत फायदेमंद वेबसाइट है। आप उसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि वेबसाइट कौन सी है और वो कैसे काम करती है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अभी गूगल खोला हुआ है। तो अभी गूगल में क्या टाइप करना, सबसे पहले हम लोग गूगल खोलते हैं। दोबारा मैं खोल देता हूँ, मैंने गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल इमेज रिसाइजर। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फर्स्ट जो आता है इमेज कन्वर्टर, इमेज कंप्रेसर, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, इमेज ऑप्टिमाइजर, तो आपको काफी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं मेन यहाँ पे, ठीक है। इसमें इमेज कंप्रेसर भी, आप इमेज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप कंप्रेस भी कर सकते हैं इमेज को, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे आप कोई भी कंप्रेस करना चाहते हैं, उसकी वेट और हाइट आप कंप्रेस करना चाहते हैं उसको, ठीक है, साइज को छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, इमेज ऑप्टिमाइजर भी मिलता है, इमेज कन्वर्टर भी मिलता है आपको। यहाँ पे इमेज कन्वर्ट आप करना चाहते हैं किसी इमेज को, सिलेक्ट न्यू फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए, PNG चाहिए, PDF, GIF, BMP, TIF, सारे कन्वर्ट आप इसमें कर सकते हैं कोई भी इमेज को। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है इमेजेस के लिए स्पेशली, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले डायमेंशन किसी इमेज का आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ इमेज को रिसाइज कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको किसी इमेज को रिसाइज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये बेबी वाली इमेज सेलेक्ट की, मुझे इसका डायमेंशन सेट करना है, तो मैं इस इमेज को कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ लिख देता हूँ 800x315 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, मैं यहाँ पे रिसाइज करूंगा। देखिए अब ये मेरी इमेज यहाँ पे रिसाइज हो गई है डाउनलोड। अब देखो इमेज का डायमेंशन चेंज हो गया, ये कैसी लग रही है, अलग लग रही है इमेज थोड़ी सी। तो ये डिफरेंट इस तरीके से आप इमेज का डायमेंशन आप अपना चेंज कर सकते हैं कोई भी इमेज हो यार। अब मान लीजिए इसी इमेज को अगर हम लोग अगर इसे लोगो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे लोगो में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसका लोगो बनाना है, तो मैं लोगो के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 90 कुछ भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए आप 250 यार नहीं, आप काम करते हैं ना, यहाँ पे इसमें लोगो के लिए आप कर सकते हो, चलो अभी यही करते हैं, 98x98 कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। अब मैं इसका रिसाइज करता हूँ इमेज को, ये देखो अभी देखो इमेज छोटी सी हो गई है, यहाँ पे लोगो बन के आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप सेव इमेज ऐसा करके आप यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं, जैसे भी आप सेव करना चाहें, डेस्कटॉप पे अपने कहीं भी जो भी आपकी फाइल है। तो इस तरीके से अब इसी परसेंटेज भी काम करता है, इसी की तरह ये यहाँ पे परसेंटेज है, आप 50% स्मॉल करना चाहते हैं मेक इमेज, या स्मॉल कितनी आपको स्मॉल करनी है वो भी आप कर सकते हैं। सेम इसमें इमेज कंप्रेसर भी दे रखा है जो मैंने आपको बताया, आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इमेज सेलेक्ट करी और मैं इसकी हाइट 354x118 कर देता हूँ, तो मैं कंप्रेस इमेज पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस ये देखिए अभी इमेज जो है 317 KB की थी, 21 KB में सेविंग, 295 KB हमने सेव किया, आप यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखो कितनी इमेज यहाँ पे डाउनलोड आप कर लीजिए, आपकी इमेज जो है कंप्रेस होकर आ गई है, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए था, मतलब आप किसी भी इमेज को कंप्रेस करके अच्छी इसमें क्वालिटी के इमेज को आप यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी इमेज का साइज और कैसे कंप्रेस कर सकते हैं मैंने आपको अब बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास। इसके अलावा इसमें इमेज ऑप्टिमाइजर भी, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, इमेज कन्वर्टर है वो भी सेम इसी की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास। वंस अगेन हमें सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, नई नया चैनल है, थोड़ा सा